यहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज है, इतना तेज कि आई जस्ट लव दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू बी हियर फॉर। ये पूरा क्रेडिट जाता है BRO को। गाइज यहाँ से कल वापस गए थे क्योंकि परमिशन नहीं मिला था, तो आज फिर से आ गए और फिर से जा रहे हैं गुरु धामर। तो ये हम लोगों के किस्मत में ही था कि साथ में एक साथ गुरु धामर करेंगे। ओ क्या बात है। तो राइड में मिलते हैं, आगे का रास्ता देख लो कितना अच्छा है, क्या है देख लो। तो गाइज दिस इज द लास्ट ऑफ रोड ऑफ गुरु धामर, इसके बाद आएगा द बेस्ट रोड आई हैव एवर सीन। Guys, this is what I love the most. Check this one. Oh, क्या रोड है, हाँ क्या ही रोड है, पूरा भगवान शिव लग रहा है सामने बैठा हुआ है। सबसे मजा आता है, बट मजा कभी सजा बनना नहीं चाहिए क्योंकि इस रोड का एक डेंजरस चीज है, ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में है। अगर कभी भी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हो और ज्यादा बोल देते हो, ज्यादा कुछ करते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, तो आपको AMS पकड़ने का 110% चांसेस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी ऐसा मत करना इस रूट पे। ये देखो रोड, यहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज है, इतना तेज कि अगर सिर्फ खुली मुंह में आप रहोगे तो आपका मुंह फट सकता है, इतना तेज। और दो पैर के वक्त यहाँ पर इतना तेज हवा के साथ पत्थर आता है, आपको लगेगा कि आपको कोई मतलब पिंच कर रहा है कुछ, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ता है। कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, हाँ नीचे का एक सीन, ऊपर का एक सीन। देखा यहाँ पर कितना स्मूथ रोड है, ये
पूरा क्रेडिट जाता है BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या ही बोले, कितना मेंटेन करता है ये लोग। ये पास देगा और यहाँ पर इग्निशन का बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर 600 के नीचे, 400 के नीचे अगर कोई बाइक आता है तो उसमें थोड़ा सा इग्निशन का प्रॉब्लम आता है। 600 cc, 400 cc के नीचे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर चलना। ये देखो, इसका नाम है कांचन गया। मेरा प्रोनाउंसिएशन, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द बेस्ट, और मेरा प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक नहीं है। इसका नाम कांचन गया और ढायो ऐसा कुछ है। तो ये भी हिमालयन का एक वन ऑफ द हाईएस्ट पिक्स है। ये देखो कितना अच्छा दिखता है। तो सामने का जमीन, बंजर जमीन पूरा, एकदम कोल्ड डेजर्ट। ये एक्चुअली कोल्ड डेजर्ट ही है, एकदम से कोल्ड डेजर्ट। और बीच में से बाइक चलाने का मजा ही कुछ अलग है। वो नीचे जहाँ पर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है, वो नीचे जो ब्लू स्काई है वहाँ है गुरुदंगमल लेक। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अरे यहाँ से बंद है। अच्छा सभी एक साथ चलेंगे। दिस इज द लास्ट रोड वी विल बी सीइंग एज एन ऑफ रोड रोड, ऑफ ट्रैक। आपको मालूम है आप कहीं से भी जा सकते हो अगर आपके पास वो गुर्दा है तो आप कहीं से भी जा सकते हो। यहाँ पर मोमेंटम मत छोड़ना बाइक का। अगर मोमेंटम एक बार ढीला हो गया ना, एक्सीलेटर अगर ठीक से नहीं दिया तो आप रुक सकते हो। और यहाँ पर रुकने की मतलब, अगर आप देखते हो तो पास वो है गुरुदंगमल का लास्ट रोड, वो एंड पॉइंट है। यहाँ पर मोमेंटम नहीं छोड़ सकते हम लोग। ये हम लोग अभी आ गए गुरुदंगमल में। दिस इज द माइटी गुरुदंगमल। ओ मैन, ये है द माइटी गुरु। मुझे इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है गुरुदंगमल क्या है। अभी मेरे को इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, आप लोग खुद देख लो।
दिस इज व्हाट लाइफ, दिस इज व्हाट पीपल कैन एंजॉय, दिस इज व्हाट ट्रैंक्विलिटी, दिस इज व्हाट अ ब्यूटी कॉल्स। ओके सो बाय फॉर नाउ, आई हैव टू एडिट दिस वीडियो, और जो भी एडिटिंग होगा सब कंप्लीट करके मैं लास्ट जो व्लॉग होगा उसमें दे दूंगा। सो द व्लॉग एंड्स हियर, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय।